होमिंग हेजिंग फिजियोथेरेपी की कार्यशाला का आयोजन किया गया। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में कंपिंग हेजिंग फिजियोथेरेपी पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के आयोजन पर थेरेपी विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय रखी। कार्यक्रम में दिल्ली NCR एवं अन्य तमाम राज्यों से आए छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को वॉरियर्स फिजियोथेरेपी की टीम द्वारा आयोजित किया गया था। आयोजित वर्कशॉप में इतिहास में पहली बार कंपिंग थेरेपी का प्रयोग किए जाने वाले कप और ट्यूब को सभी प्रतिभागियों को वितरित किया गया। इसका मकसद यह है कि अधिक से अधिक थेरेपी का प्रयोग कर लोगों को लाभान्वित किया जा सके। इस कार्यक्रम के आयोजन में डॉक्टर अजहर सिद्दीकी, डॉक्टर मनीषा मिश्रा, डॉक्टर राजेश के साथ तमाम डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम मौजूद रही। विशेष कार्यशाला आयोजन के दौरान हमारे विशेष संवाददाता मुकेश गुप्ता ने डॉक्टर अजहर सिद्दीकी से खास बातचीत की। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक दिवसीय कपिंग थेरेपी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वहीं मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजहर सिद्दीकी, जो इस कपिंग थेरेपी की कार्यशाला के मुख्य आयोजक रहे हैं। इन्होंने 3 वर्ष पहले दिल्ली के इस क्षेत्र में इस कपिंग कार्यशाला का आयोजन 3 साल पहले भी किया है और ये लगातार इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। यहाँ पर तमाम छात्र छात्राओं ने इस कपिंग थेरेपी कार्यशाला के आयोजन में भाग लिया है। आइए जानते हैं आज इस कार्यशाला में क्या मुख्य बिंदु रहे जो कपिंग के बारे में छात्र छात्राओं को बताए गए हैं। थैंक यू सो मच। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, माय नेम इज़ डॉक्टर अजहर सिद्दीकी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ दिल्ली एकेडमी ऑफ कपिंग एंड हेल्थ साइंस। और डिफरेंट स्टेट्स में अक्रॉस द कंट्री कपिंग थेरेपी की हमारी वर्कशॉप्स होती रहती हैं। और दिल्ली मेरा खुद का शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग जो अलग अलग शहरों से कपिंग थेरेपी को सीखने आते हैं, मोस्टली इसमें फिजियोथेरेपिस्ट और यूनानी मेडिसिन वाले डॉक्टर्स होते हैं। और आज की हमारा जो मेन वर्कशॉप का जो कंटेंट था वो ड्राई कपिंग पे था, जो सारी की सारी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन उनके ऊपर डिपेंड करता है। इस कपिंग थेरेपी से और क्या क्या समस्याओं से निजात पाया जा सकता है? देखिए, मोस्टली ऐसी समस्याएं जहां पर ब्लड फ्लो का कम होना या जॉइंट्स में पेन होना, इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग होना, उन सारी चीज़ों के लिए हमारी कपिंग थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। क्या ये कपिंग थेरेपी जो है ये जॉइंट आर्थराइटिस, गठिया की जो बीमारी है जिसे लाइलाज कहा जाता है, क्या उसमें कितनी कारगर? देखिए, कपिंग थेरेपी का कहीं कहीं पे लिमिटेशन भी है और कहीं कहीं पे अच्छे इफेक्ट है। जहाँ पे ड्राई कपिंग ख़त्म होती है वहाँ से स्टार्ट होता है हिजामा। हिजामा एक वेट कपिंग का पार्ट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं टॉक्सिक ब्लड और वहाँ से नई ब्लड सप्लाई को तैयार करते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू जो होता है वो वापस से रिजुविनेट होता है और पहले जैसा काम करता है, जो काम उसका ख़त्म हो चुका है। देखिए, ज्वाइंट स्टिफनेस हो या मसल की स्टिफनेस हो या किसी भी प्रकार का आपका मसल का अकड़न या जकड़न हो, उसके लिए हम कपिंग की एक टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं डायनामिक कपिंग। मसल को रिलीज करना, ज्वाइंट को मूव कराना और उसके साथ कपिंग को देना, इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है कपिंग करने का। तो ये थे डॉक्टर अजहर सिद्दीकी, जिन्होंने कपिंग की थेरेपी के बारे में पूरा विस्तार से बताया। मुकेश गुप्ता, समाचार 24, दिल्ली से।